जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम जानेंगे फ्रेंड कि धनतेरस पे हमें ऐसी कौन कौन सी नौ चीज़ें घर लानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा परिवार में बना रहता है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा करने का विधान है इस दिन खरीदारी करना भी अधिक शुभ माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी खरीदा जाए उससे कई गुना वृद्धि होकर वापस मिलता है कहते हैं कि इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल भर पर आपके परिवार पर बना रहता है तो नंबर एक धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झाड़ू खरीदने से घर की गरीबी और दुख दरिद्रता का नाश होता है नंबर टू धनतेरस के दिन नए कपड़े खरीदना भी शुभ माना जाता है ऐसे में आप घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को इस दिन नए कपड़े लाकर गिफ्ट कर सकते हैं नंबर थ्री धनतेरस के दिन सुहागिन महिलाओं को शोला श्रृंगार का सामान खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती है नंबर फोर धनतेरस के दिन आप अपने प्रोफेशनल यानी कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं जैसे कि कोई नई वाहन या कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या लैपटॉप या फ़ोन भी हो सकता है कहते हैं धनतेरस पर अपनी प्रोफेशनल से जुड़ी कोई चीज़ खरीदने पर सालों साल आपको तरक्की मिलती है नंबर फाइव इस शुभ दिन पर अपनी रसोई के लिए आप कोई बर्तन जरूर खरीदें हालांकि ध्यान रहे कि धार्मिक रूप से इस दिन तांबे पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है तो घर में स्टील कांच एल्युमिनियम, और लोहे के बर्तन खरीदने से इस दिन बचना चाहिए ऐसे में आप अपनी रसोई के लिए पीतल का जग फैंसी गिलास या कटोरी खरीद सकते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल साल भर त्यौहारों में जरूर करते हैं हम सभी नंबर सिक्स धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है आप इस शुभ दिन पर सोने चांदी के सिक्के या ग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं नंबर सेवन धनतेरस पर जमीन या ज़मीन से जुड़े सौदे करना भी सुख समृद्धि में वृद्धि करता है नंबर एट साबुत धनिया धनतेरस के दिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप धनतेरस पर साबुत धनिया जरूर खरीदें इससे आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है नंबर नाइन कुबेर यंत्र अपने घर का सुख सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो धनतेरस पर कुबेर यंत्र ज़रूर खरीदना चाहिए तो ये थी फ्रेंड वो नौ चीज़ें जो कि हमें धनतेरस पर ज़रूर खरीदनी चाहिए और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों और एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ